दमोह जिले में एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद व्यापारियों में खासा रोष देखा जा रहा है। व्यापारिक संगठनों ने कलेक्टर से मिलकर के लॉकडाउन को खोलने की मांग की। उनके साथ दमोह के विधायक अजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहे। कलेक्टर से चर्चा के दौरान व्यापारियों ने कहा कि उनको बहुत समस्याएं हो रही हैं। मालूम हो कि हटाके व्यापारियों ने भी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया है और SDM को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं दमोह के व्यापारियों ने कलेक्टर से मिलकर के इस मामले में गहनता से विचार करने, व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। क्या होता है रेडीमेड शॉप हो, अभी पूरा शादी विवाह का सीजन निकल गया, कुछ नहीं हुआ। मजदूर लोग आप भी समझ रहे सर, आपकी बात कहने ऐसा तो ये कि आप अलग अच्छे हो, बड़ी अब तो वो हो गया है। मैंने सर कल भी रिक्वेस्ट परसों की थी जब मैं बागेश्वर जाने जा रहा था कि सर अब तो लॉकडाउन खोल गया, वो ये रहा है तो गरीब आदमी रोहिणी का भरपूर साथ दिया है, लेकिन दुकानें बंद नहीं की जा सकती अब, क्योंकि हम सभी व्यापारी आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। अतः हम ओदर से निवेदन है कि मार्केट OD1 के तहत या दोपहर 11 से 6 बजे तक खुलवाने की मैदी कृपा करें। युवा परिजन आपका हृदय से आभार रहेगा। इसके साथ में हमारे साथ में जो अनेक संगठन आए हैं, उसमें भारतीय संगठन, कैट संगठन, सराबा व्यापारी संघ, एक हमारा भी काम बढ़ गया है। ये भी मेरा ये सूचना है कि अपन मीटिंग मुश्किल से 5-10 मिनट में ही समाप्त, क्योंकि आपका भी समय सीख मुझे पता पाए। आप लोग बताएं एक एक जन एक 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 सीएम साहब का विषय भी है, तो आप भी उसमें काम आमंत्रित किए हैं 445 पर। उसमें शायद सर अलग से आप नहीं मिले, उसमें शायद मैं पब्लिकली नहीं अलग से आपसे कुछ करूँ। ठीक तो बताओ, बताओ फिर हम उस डिस्कस करते हैं। आप ये पाएंगे कि अब जो गरीब मजदूर वो बहुत परेशान, बहुत चाहते हैं होम डिलीवरी, उसको मिल नहीं रही, उसको अगर एक वस्त्र की भी जरूरत है या एक मीटर कपड़ा भी चाहिए है या कुछ भी चाहिए है तो दुकानें बंद नहीं सकती। तो सर ऐसा कोई निर्णय करिए ना, दे इनको पूरे दिन खोलिए, ये पूरे दिन खोलिए। जो पहले भी हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था, आप सर इस बात को प्लीज नोटिस में लेंगे कि एक दुकान के हम लोग आए थे शासन को लेके कि कल जो निर्णय हुआ है कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया है, तो उसमें कुछ दिक्कतें थी। किराना व्यापारी संघ वालों की दिक्कत थी कि होम डिलीवरी करना है, अब किसी को 100 रुपये का सामान चाहिए या 5 रुपये का सामान चाहिए या 50 रुपये का, और कुछ मनचले लोग परेशान भी करते हैं कि हमारी चाय की पत्ती होम डिलीवरी में शासन ने कहा है, प्रशासन ने कहा है तो हमारे घर तक भेजो। जबकि कहने का मतलब तो किराना व्यापारी संघ परेशान था, और होम डिलीवरी करना कर रहे हैं, जितनी बन रही कर रहे हैं, लेकिन हर एक जनों की नीड जो जरूरत है उसको पूरा करना बहुत असंभव काम है। फिर उतना स्टाफ रखो, स्टाफ ज़्यादा रखोगे होम डिलीवरी करोगे उतने लोग सड़कों पे घूमेंगे। स्टाफ आखिर आदमी सामान लेके तो किसी ना किसी के घर जाएगा ना, वो तो कहीं पर बैरिकेड है, कहीं है, लंबा रास्ता भी तय करना है। और मुद्दे आते जैसे सराफा संघ वाले में आए थे, अभी किसान की फसल आई है और इस बात को कहने में संकोच भी है, किसान की फसल आई है उसके पास आज पैसा है, तो ये लेन देन का काम जो होता है, उसने जीवर ले लिया या कोई भी चीज़ ले ली, बाद में उनने कहा फसल आने पर पैसा देंगे, ये जनरल प्रैक्टिस है। अब दुकान बंद है, वो पैसा देने कहाँ जाए, किसान पैसा देना चाह रहा है। किसान का मतलब ये है कि आम आदमी पैसा देना चाह रहा, अब कहाँ दे आए, सराफा के या जहाँ से उसका लेन देन है, अगर उसके घर जाता है तो वह कहता है कि वही खाता तो दुकान में रखा है, दुकान हम खोल नहीं पा रहे, तो यानी ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। आज बात हो गई, इतना बड़ा शादी विवाह का सीजन निकल गया, खैर अपने जो रेडीमेड शॉप वाले हैं उन्होंने माल अपनी दुकानों पर ला कर भर लिया,
कुछ माल क्रेडिट पे मिल गया कि आप बेच लेना फिर पैसे देना। अब शादी का सीजन निकल गया, एक प्रकार से एक पूरा गर्मी का सीजन निकल गया, तो गर्मी का माल तो हमारा बिक ही नहीं पाया। शादियों में जो हमें सामान बेचना था, ड्रेसेस हैं, अपने अच्छे तड़क भड़क वाले कपड़े हैं जो कि शादियों में आजकल जिसको अपन पार्टी ड्रेस कहते हैं, वो सारी की सारी रखी रह गई। अब लॉकडाउन जब खुलेगा तो आपके लॉकडाउन लगाना भी एक मजबूरी है। लॉकडाउन जब खुलेगा, जब तक सीजन दूसरा आ जाएगा, इस सामान को रखने की जगह नहीं है, सामान का तो हम पैसा चुका नहीं पाए, अब दूसरा रेडीमेड वस्त्र आएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सी किराना व्यापारी हो, मोबाइल शॉप हो, और हमें मोबाइल चार्ज कराना है, हमारा मोबाइल बिगड़ गया है तो वो सुधर नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सभी व्यापारी, यानी व्यापारी मतलब जितना भी एक एरी वो है, सभी लोग आज यहाँ आए थे और उनके मुख्य किसान भी फसल अपने नहीं बेच पा रहा, यानी सभी लोग यहाँ ये रिक्वेस्ट करने आए थे, अपनी बात को रखने आए थे, अपने पक्ष को रखने आए थे। इस आशय क्या आश्वासन मिला है जी? क्या आश्वासन मिला है तुम्हें? आश्वासन ये है कि जब तक मरीजों की संख्या कम ना हो जाए, प्रशासन अपनी जगह सही है, व्यापारी अपनी जगह सही है, ये हम कैसे खाएं। उसमें एक बात सामने जरूर आई जो मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसमें एक पॉइंट आया था व्यापारियों की तरफ से कि हमारी दुकानें इतने समय से बंद है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, ब्याज तो हमें लग ही रहा है, लोन हम चुका नहीं पा रहे, हम यानी ब्लैक लिस्ट में जा रहे, तो इसमें शासन को रिलैक्सेशन देना चाहिए, यानी जो ब्याज है वो ना ले, बिजली के बिलों में 3-4 महीने का समय दे, GST में समय दे। ये थी शासन स्तर यानी मुख्यमंत्री लेवल की बात है, लेकिन कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को भी आगे बढ़ा रहे हैं कि रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को तो उनकी तनख्वाह निश्चित है, पल्लेदारों के पास कौन सी तनख्वाह है, व्यापारी के पास कौन सी तनख्वाह है, तो इनको गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे। और उसमें अभी आपने क्या पूछा था कि आश्वासन क्या हो, मुझे ये पूरी उम्मीद हो रही है, मैंने अभी कमरे में भी कलेक्टर महोदय से चर्चा की है कि 7 तारीख से लॉकडाउन खुल जाएगा, यानी रिलैक्सेशन होगा और आम जनजीवन सामान्य स्थिति में आएगा। अब पेशेंट की और डिस्चार्ज की क्या पोजीशन बनती है उसके हिसाब से भी कुछ एक क्राइटेरिया तय होगा। अच्छा, कुछ दिक्कत भी है, कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में है, ना जनता के हाथ में है, ना यहाँ के हाथ में, गवर्नमेंट से जो गाइडलाइन आती है उसको फॉलो करना भी जरूरी है, लेकिन हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन अति शीघ्र खुले, जो कि 7 तारीख से खुलने की पूरी 99% पूरी उम्मीद है कि लॉकडाउन अपने जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से खुलेगा।